देख सकते हैं दोस्तों, इनके पास कुल मिला के 4 बच्चे हो गए हैं, 2 लड़का और 2 लड़की हो गए हैं, और पति के नाम पे कोई भी नहीं। बेटी 14 साल के हो गया है, बेटा 15-16 साल के हो गया है। इधर उधर रहने में हमको बहुत शर्म लगता है। जब तब हम घर में जाते हैं तब तब भोली सनी घर में ताला मार देता है। जी गांव वाले को मर्जी से हम किए थे, न तो हमको नहीं करते हम शादी। हम एक से नाता से हम तो भले मुस्मात रहते तो वही ठीक था हमारे लिए, बाकी हम शादी करके खुद फंस गए हुए हैं उससे। से तुम हरम जादी बोलू केस तुम उठाती है कि नहीं, तो हम बोले से हम नहीं उठाएंगे, हमको पूरा खेवा खर्च दीजिए हमको बाल बच्चा के, तब हम ना कुछ करेंगे उठाएंगे, तो नहीं हम नहीं कुछ नहीं देंगे बोलू तुमको। हमारा घर में ना सास न ससुर है, ननद न दियादिन है, सिर्फ 2 भाई था। तो एक भाई मर गया, उसके बाद दूसरे से हम शादी किए। हम नहीं जानते थे से हमको गति करता, ना तो हम नहीं करते शादी। बिना आपसे तलाक लिए शादी कर लिया, उसके लिए आपको कोई दिन टेंशन नहीं है? जी हमको टेंशन है, हमको तो इतना टेंशन है। तो आप बस पैसा की डिमांड कर रहे हैं? देखिए ऐसा मामला हमारे सामने अभी आया है, जो कि लोग कहते हैं कि अगर किसी की पति, हिंदू धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी का पति जो है वो मर जाते हैं या फिर उनका निधन हो जाता है, तो उनके देवर के साथ उसकी बहू का शादी कर दिया जाता है। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है, उसका उदाहरण अभी देखने को मुझे मिल रहा है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ एक महिला है जिनका नाम मुन्नी देवी बता रही हैं, और इनके साथ क्या घटना हुआ है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मुन्नी देवी है। मुन्नी देवी, तो आप कुछ बता रही थी कि आपका पति का डेथ हो गया था, उसके बाद आपने देवर से शादी किया था। जी। तो पति का डेथ हो गया था और फिर देवर से शादी किया था, ये सब कैसे और कब हुआ था? जी हम शादी के देवर साथे हो गए 9 साल। अच्छा। और उसके बाद क्या कलन से शादी कला के बाद हमरा के रखलन अच्छा से, ओकरा बाद क्या कलन बेटी होला के बाद हमरा के लगलन दूर छिया करे। अच्छा। पहला पति आपका जो है वो कब उनका डेथ हुआ था? जी हो गए 10 मानिए 14 साल हो गया, 14 साल पहले उनका डेथ हुआ था। फिर उसके बाद आप उतना दिन अकेले रही, उसके बाद आप 9 साल पहले शादी किए? हमारा पति के डेथ कैला के बाद उनका से साल भर के बाद हम शादी कर लेनी। अच्छा। शादी कैला के बाद हम अपना बेटी के रहे लगल देह में, तो कहलन कथी से कहला बोलू बेसी बौगा हो से का करो से 4 गो बच्चा हो जाए, ओकरा बाद ऑपरेशन करा दे। तो का कहलन से हमर बेटी जन्म ले लेल, तो ओकरा बाद अच्छा से रखे लगलन, ओकरा बाद ऑपरेशन हमर मम्मी करा दिलिन, तो करा दिलिन। ओकरा बाद का कहलन कथी से रखल लगलन दिल्ली जाके, आ दिल्ली से लियलन यहाँ, आ यहीं हमनी के छोड़ देलन, दिल्ली चल गेलन। आ दिल्ली से का कलन अलन, तो उहे का कलन विकलांग लड़की से शादी कर लेलन, हमनी के पता न चलल। इन मैं समझा देता हूँ आपको, इनका जो है पहले शादी हुआ था, इनके पति जो है डेथ कर गए थे, उनके बाद इन्होंने देवर से शादी किया था, देवर से शादी किया था, उसके बाद देवर जो है कुछ दिन इनको रखे, कुछ साल रखे, उसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में एक अभी एक महिला से शादी कर लिए जो कि विकलांग है। घर का है? हाँ महिला गाँव के है, लेकिन वो दिल्ली चले गए थे ना, उसके बाद वो महिला विकलांग है और उनसे ये उनकी इनके जो पति हैं, जो सेकंड पति हैं, उन्होंने शादी कर लिया, अब इनको देखरेख नहीं करते हैं। तो अभी आपके साथ क्या मुश्किल आ रहा है और क्या चाहते हैं आप? जी मुश्किल यही आ रहा है से हमरा पास बेटी 14 साल के हो गया है, बेटा 15-16 साल के हो गया है। इधर उधर रहने में हमको बहुत शर्म लगता है। जब तब हम घर में जाते हैं तब तब भोली सनी घर में ताला मार देता है। भोली सनी कौन है? जी भोली सनी वही उर्मिला देवी के बाप है, हमारे सौतीन है। अच्छा। सौतीन है तो क्या करते हैं, कहते मेरा मम्मी पापा जितना बर्तन दिया था वो सब उठा के ले गया है उसका बाप। हाँ कल तल सब कुछ को ले गया, बोल रहा है कहते तुम्हारा बच्चे के भी उठा के ले जाएंगे हम। अच्छा, कौन बच्चा को? बेटा बेटे का? ना जी नहीं, मूर्ति को बोल रहा है मेरा। मूर्ति एक बच्चा भी है इनका, जो अभी जो देवर के से जब ये शादी किए थे उनसे भी एक लड़की हुई है, लड़की यहीं पे है, हालांकि हम उनको दिखा नहीं रहे हैं। तो बोले बच्ची को भी ले जाएंगे? जी बच्ची को उठा के ले जाएंगे बोलू हम। तो खुद भी विकलांग है तो उसका बच्चा नहीं पलाता, तो मम्मी पापा उसका पालता है, हमारा बच्चा के कैसे पालेगा वो। अच्छा, उसके बाद भी बच्चा भी उनका हो गया है? जी आप बोल रहे बोले मेरा बच्चा हो गया है, और उसके बाद बोलता मेरा पास आएगा तो हमारा बच्चा रहेगा, तो तुम्हारा पास रहेगा तुम्हारा बच्चा रहेगा, हम किसी को देखभाल नहीं करेंगे बोलू। कितना दिन से अभी आप लोग नहीं मिले हैं, जो आप अपने पति से सेकंड पति से कब कितना दिन पहले मिले थे? पति मेरा ठीक से रख रहा था अभी 3 साल, मानिए 5 साल से हमारे पति दूर छिया किया हुआ है। 5 साल से? तो ये 5 साल आप कहाँ रह रहे हैं? 5 साल से हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं, भगवानपुर में। क्या करते हैं वहाँ? जी हम चौका बर्तन के काम करते हैं। चौका बर्तन काम करके आप अपना बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं? जी जी हाँ। आगे आप क्या चाहते हैं? बेटा हमर जी सब्जी के दुकान कर ले बा भगवानपुर में, तो सब्जी बेचल बेटा हमर। अच्छा, अभी आप जो हैं वो चाहते क्या हैं, क्या हो जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा? जी क्या हो जाए, हम चाहते हैं से अपना घर में रहे अपना बच्चे के साथ बस। तो वो जो शादी कर लिए जो
तो वो अपने माई के पास में रहती है, हमारा घर में नहीं आती है। तो वो शादी आपके पति किए हुए हैं सेकंड पति, तो आपको उसे कोई दिक्कत नहीं है? जी अगर दिक्कत हमको जब मेरा मुंह ताकता तो शादी नहीं करता, मेरे बच्चों को मुंह ताकता तो नहीं ना करता। तो खाली आपको घर में रहने के लिए दे दिया जाए तो आपको कोई टेंशन नहीं है भाई पति कहीं जाए? घर में टेंशन रहने के लिए दे दीजिएगा तो खाएंगे क्या, हमको खर्चा तो चाहिए ना। अच्छा, हमको बच्चे को पढ़ाने के लिखाने के लिए, हम तो जितना कमाते हैं तो उसमें खाने के लिए उस सबको पूरा नहीं होता है। देखिए एक चीज समझिए, सबसे बड़ा यहाँ पे मैटर क्या है ना कि इनसे वो जो इनके जो सेकंड हस्बैंड है उन्होंने शादी तो किया है, उसके बाद वो दूसरे से भी शादी कर लिए हैं। ये गलत चीज़ है क्योंकि आप जब पहले बीवी आपकी है तो उसके बाद आप दूसरा से अगर शादी कर दें कहने के आपको तलाक लेना पड़ेगा तभी आप दूसरे से शादी कर सकते हैं। पहले से शादीशुदा होते हुए भी आप दूसरा से शादी करते हैं तो ये कानूनन अपराध है। तो इस कानूनन अपराध में आपने उनको कुछ कहीं पर नोटिस या कोई FIR ये सब किया? जी हम कोर्ट से केस किए हुए हैं उस पर। कौन केस में क्या किस तरह का केस किया? केस कैले हती से हमारे पति हमरा के छोड़ दिले बारन मार पीट के, और उसके बाद दहेज पड़ताल के लिए हमरा से बोलन पहले बार बोलन से अपना मम्मी से बोल से 50,000 रुपया हमरा के मंगा दो दुकान करेला आ मोटरसाइकिल खरीदे ला पैसा मांग। तो हम कहे हमारे मम्मी कहाँ से पैसा दी, से हमारे मम्मी तो खुद साग सब्जी के एकदम अथी कर ले खेती बाड़ी में करे तो अपन खा ले गुजारा पुजारा कर ले, से हमारा पास मम्मी के पास नहीं खे पैसा। देख सकते हैं दोस्तों इनके पास कुल मिला के 4 बच्चे हो गए, 2 लड़का 2 लड़की हो गए और पति के नाम पे कोई भी नहीं है। पहले पति भी जो थे इनका वो डेथ कर चुके आज से 14-15 साल पहले, और उनके भाई से यानी इनके देवर से फिर इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद देवर भी है कुछ साल इनको रखे, उसके बाद अभी 4-5 साल पहले इनको देवर भी छोड़ दिए हैं और वो भी अब दूसरी शादी कर लिए हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जो शादी किया है दूसरा वो किसके रजामंदी से किया था और क्यों किया था? जी गांव वाले को मर्जी से हम किए थे, ना तो हमको नहीं करते हम शादी, हम एक से नाता से हम तो भले मुस्मात रहते तो वही ठीक था हमारे लिए, बाकी हम शादी करके खुद फंस गए हुए हैं उससे। कौन कौन थे शादी के गवाह, क्या कैसे कागजी कार्रवाई से शादी हुई थी या फिर ऐसे? नहीं 5 आदमी मिलकर घर में शादी कराया हुआ है हमको। तो देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख लीजिए क्योंकि हमारे समाज में ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बड़ा भाई है अगर वो डेथ कर जाता है तो मंझला या छोटे जो भी भाई होते हैं उनसे उनकी विवाह करवा दी जाती है। हमें लगता है कि हिंदू धर्म में ये बहुत होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि अपने घर का इज्जत है जो घर में ही राजा, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो अभी आप देख रहे हैं ये इसको बताता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो पहले इनके पति चले गए तो इनको दुख हुआ ही, उसके बाद फिर दूसरे के साथ आने के लिए भी चाहे कि चलो देवर के साथ है उसका ही भाई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिर से इनको ना कहीं कुछ झेलना पड़ रहा है। और आप समझ सकते हैं कि अब ये कहीं की नहीं रही। एक तो पति ने भगवान ने इन्हें इनसे इनका पति छीन ही लिया था, अब इनसे देवर भी जो है अलग हो गए और दूसरी शादी कर ली है। अब इसमें देखना ये है कि पुलिस प्रशासन क्या करती है। ये इन्होंने बताया अभी कि ये कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, FIR वगैरह भी किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है। कभी उसके पास कोई पुलिस या कोई ऐसा लोग गए हैं जो कि डराने धमकाने के? जी नहीं, घर पर पुलिस गए हुए थे तो नोटिस गया, तो उसके बाद बोले हमको से तुम हरमजादी बोलो केस तुम उठाती है कि नहीं, तो हम बोले से हम नहीं उठाएंगे, हमको पूरा खेवा खर्च दीजिए हमको बाल बच्चा के, तब हम ना कुछ करेंगे उठाएंगे तो नहीं हम नहीं कुछ नहीं देंगे बोलो तुमको। अच्छा मारते पीटते थे पहले? जी पहले से पीटे थे। किस तरह का मतलब, जैसे पहले जब शादी की तभी या फिर इधर हाल? जी देखिए हमारा घर में न सास न ससुर है, ननद न दियादिन है, सिर्फ 2 भाई था। तो एक भाई मर गया, उसके बाद दूसरे से हम शादी किए, हम नहीं जानते थे इससे हमको गलती करता ना तो हम नहीं करते शादी उससे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कुछ वैसा कोई चाल चलन देखे हो, ऐसा कुछ जैसे होता है ना कि बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये औरत है पति के मर जाने के बाद 4 साल तक आप विधवा भी रही, तो हो सकता है उनको ऐसा लगा हो कि भाई ये औरत सही नहीं है या ये उस तरह का कुछ झांसा दे के वो शादी कर लिए, ये भी तो कह सकते। जब हम मुस्मात रहनी तो हम साल भर मुस्मात रहनी तो तभी ना हमारा भाग जाए के चाहिए शादी कर लेवे के चाहिए, तो जब मुस्मात रही तब न भगनी 4 गो बच्चा के छोड़ के न के तहु के नहीं अब हम मन भाग जाए। नहीं देखिए उनका ऐसा इल्जाम हो सकता है, वाला के 10 गो बहाना जोड़ने आता है, हम यही बोलेंगे। तो बहाना कोई बहाना लगा के उसको साबित करना होगा ना? हाँ जी वही साबित करेगा, अब हम क्या साबित करें, हमारा पास तो कुछ नहीं हम साबित कर सकते हैं। ये पूरी कहानी थी और मैं इनसे आखिरी बार ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये चाहती क्या है, आप जो बताइए कि आप क्या चाहती है, क्या हो जाए आपके इस मामले में तो आप खुशी खुशी अपना बाकी का जो बचा हुआ जीवन है आपका जो बाल बच्चा है वो सबको पालन पोषण कर सकते हैं, क्या किया जाए? यही चाहते हैं से हमारा बाल बच्चा के अच्छा से पैसा कौड़ी देस पढ़ावस आ घर में हम रही आ कोई जब से हमार दुल्हा मरल है तब से हमरा के लोग 10 गो पाया 10 गुढ़वा उठा के रख दिले बा, और बेटा बड़ बेटा कह रहा बा कथी मम्मी के जब जाले घर तब बोलू काच किच बोलू सुने हमारा शर्म लागले बोल हम बेटा शर्म से मर रहा बा। अच्छा बेटा कुछ काम करता है आपका? सब्जी बेचता है? सब्जी बेचता है। भगवान बस खाली आपको पैसा दे
भरण पोषण के लिए बस आपको इतना ही चाहिए। हाँ जी, अब फिर आके घर पर देखभाल करे, बस घर पे देखभाल करे। जिससे शादी किया है उसे करे रहे, कोई दिक्कत हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देख लीजिए, इनसे साफ पता चलता है कि घर पे देखभाल भी सेकेंडरी मैटर है, इनको बस चाहिए कि पैसा दिया जाए। पैसा ही इनको अगर मिल जी हमको खर्चा दिया जाए, बस तो खर्चा दिया जाए इनको तो ये खुशी है। आप एक बात बताइए, आपका जो वो बिना आपसे तलाक लिए शादी कर लिया, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है? जी हमको टेंशन है, हमको तो इतना टेंशन है। तो आप बस पैसा आपकी डिमांड कर रहे हैं? जी हमको इतना टेंशन है, क्या करें, जब चार गो बच्चा है, जब हमको शादी करना नहीं करना था तो हमको बोल देता हम शादी नहीं करेंगे, तीन बच्चा के लेकर मुसमाती काट के हम कुछ करके हम बच्चा को खिलाते साग सब्जी बेचकर। जब हम शादी कर लिए तो आप देखिए दूसरा शादी कर लिया, तब हम क्रोध में क्या कह सकते हैं? मतलब दूसरा शादी कर लिया तो आप ये कुछ शादी पे दिक्कत नहीं है आपको? जी हमको दिक्कत है, काहे नहीं दिक्कत रहेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप उन पे शादी के लिए? तो आप जानते हो आपको सिर्फ पैसा चाहिए। जी नहीं, हमको पैसा नहीं ना चाहिए, हमको पति भी चाहिए ना। तो पति के बारे में आप एक भी बार अभी बोलेगी पति भी चाहिए? आपने बस बोला कि पैसा दो खर्चा दे, आप यही जान रहे हैं। बच्चा को पढ़ाए लिखाए, हमारे पति हमारा पास रहे, आए देखभाल करे, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है? चलिए मैं समझ गया इनका कि सबसे बड़ी दिक्कत इनकी है कि बाकी जो इनके पास बच्चे हैं वो कैसे इनका पालन पोषण हो वो ध्यान दिया जाए। बाकी ये कहीं से नहीं लगता है कि ये चाहते हैं कि उनको कुछ FIR हो या केस हो, काहे कि क्योंकि जो मामला है उसमें उनको दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि एक शादी के रहते हुए दूसरी शादी अगर वो करते हैं तो ये कानूनन अपराध है, तो उनको इसके लिए सजा भी हो सकता है। तो ये थी हमारे साथ एक पीड़िता है, पीड़िता ही कहेंगे इनको, क्योंकि इनके साथ इस तरह का 5 साल से ये झेल रही है इन चीज़ को। बाकी आप लोग बताइएगा इस पूरे मामले पर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर किसी का पति मर जाता है तो उसके भाई के साथ यानी कि देवर के साथ शादी करना कितना सही है अब के ज़माने में, ये भी आप लोग बताइएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।